का स्वागत है आपका बाजार में। लेकिन अभी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से, फटाफट से वो नजर डाल लेते हैं। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। स्टेटमेंट ये भी थी कि आने वाले समय के लिए हो सकता है कि टैक्स दरों में कुछ राहत मिले, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बेस ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। FY17 में वित्तीय घाटा जो है उसको कम करने का लक्ष्य है। फिलहाल वित्तीय घाटे के लक्ष्य पे वो बरकरार हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। मार्केट्स बिल्कुल एक रेंज में आज के सत्र में कामकाज कर रहे हैं। फटाफट से कुछ सवाल जो हमारे पास फेसबुक के जरिए आए हैं उनको भी ले लेते हैं। ललित जी का प्रश्न मुंबई से, बाल्मर लॉरी के 200 शेयर्स हैं और क्वांटिटी और 470 के आसपास की खरीद जो है वो बाल्मर लॉरी पे है। लोकेश, क्या करना चाहिए? बाल्मर लॉरी बहुत वन वे ट्रैक पे था, अब क्या करें? किस पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग? देखिए, बाल्मर लॉरी के चार्ट्स को स्टडी करते हैं। 890 के लेवल्स को क्रॉस करने के समय बहुत अच्छा बुल रन देखा गया है। स्टॉक हैज वेंट अप टू द लेवल्स ऑफ 1134 1135, वहाँ से थोड़ा सा सेल ऑफ है। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए एंड कीप अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1020। एक स्वरूप दास का सवाल है पश्चिम बंगाल से, तानला सॉल्यूशंस को लेकर। 100 शेयर है, 62 रुपए के भाव पर खरीदारी है। राजेश, तानला सॉल्यूशंस 100 शेयर है, 62 रुपए के भाव पर खरीदारी है, आप क्या राय रखते हैं? काफी वैसे भी हलचल रही है मिड कैप आईटी स्पेस में, डिमोनेटाइजेशन की खबरों के बीच में, आपकी राय? देखिए, मिड कैप आईटी की कंपनी है, जैसा सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि जिस तरीके का रनअप ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद थोड़ी कम बचती है। एक्सिट स्टॉप लॉस लगाएं 5% के आसपास का मौजूदा स्तर से और कैरी कर लें ट्रेड को, अन्यथा मैं समझता हूँ कि पार्टली प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। चलिए, सनी ने मैसेज भेजा है, अलंकित लिमिटेड स्टॉक 100 क्वांटिटी है इनके पास और जो रेट है वो है 54 का, जहाँ पर इन्होंने खरीदारी की है वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड देख रहे हैं। लोकेश, क्या करना चाहिए? देखिए राजेश, मेरी सॉरी टू से, अलंकित को हम ट्रैक नहीं करते जी। राजेश, अलंकित एक वन ऑफ द कंपनी जो कि POS सिस्टम के अंदर कामकाज करती है और अदर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इनकी एक आम है जो कि UID के प्रोजेक्ट्स भी करती है। अगर आप ट्रैक करते तो कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? सॉरी सुमित, ये हमारी रडार में भी नहीं है। चलिए एक और सवाल लेते हैं। सवाल है एसके गर्ग का, दिल्ली सवाल है, बार्ट्रॉनिक्स को लेकर। 1000 शेयर हैं, 20 रुपए के भाव पे खरीदारी है, एकाएक स्टीम में आया है बार्ट्रॉनिक्स। लोकेश, आप क्या राय रखते हैं? 1000 शेयर लिए गए हैं बार्ट्रॉनिक्स के, वो भी 20 रुपए के भाव पे, आपकी राय? जिस तरह का मूव्स में देखने को मिला है, अब क्या करना चाहिए? देखिए सुमित जी, बार्ट्रॉनिक्स के चार्ट को स्टडी करते हैं। 13.80 पैसे का बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है और साफ साफ मंथली चार्ट पर इंडिकेट हो रहा है कि पॉजिटिव RSI फॉर्मेशन है और बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न बना हुआ है। इसका जो इमीडिएट टारगेट चार्ट पर निकल के आता है वो आता है 28 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में। अपनी पोजिशन को होल्ड कीजिए, कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 21.50 रुपीज़। चलिए, सत्यम जी ने अपना सवाल भेजा है हमारे पास और बजाज फाइनेंस के इनके पास शेयर हैं, 25 क्वांटिटी है और 853 की खरीद है। फिलहाल 849 के लेवल पे कामकाज कर रहे हैं। राजेश, क्या रुकना चाहिए इस स्टॉक में? देखिए, जो दिक्कतें चल रही हैं नोटबंदी को लेकर के, उसका जो खामियाजा है बजाज फाइनेंस के तरीके की कंपनी को, कम से कम 1-2 क्वार्टर झेलना पड़ेगा। अगर इनकी समय अवधि छोटी है, मैं समझता हूँ अभी बहुत कम नुकसान पर बैठे हैं, निकल जाए, अन्यथा कैरी करें जी। तो आपको बने रहने की राय दी गई है, आपको रणनीति बताई गई है इस शेयर को लेकर। एक जलज का सवाल आया है अहमदाबाद से, गेल को लेकर। करीब 1000 शेयर है और 430 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 424.25 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है गेल का। लोकेश, क्या राय रखते हैं आप गेल पर? लोअर लेवल से आज पुल बैक भी देखने को मिला, डे हाई के आसपास ही है, आपकी राय? देखिए समझिए, गेल के चार्ट को स्टडी करते हैं, इसमें 400 रुपए के आसपास बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन था। 418 के बाद इसने कंफर्मेशन दिया कि इसमें फर्दर अपसाइड देखी जा सकती है। 445 के लेवल को रीटेस्ट किया है, इन द करंट मार्केट कंडीशन में थोड़ा सा सेल ऑफ है, लेकिन अभी मंथली चार्ट इसके पॉजिटिव, इसमें 480 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 410 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप, 410 रुपए का स्टॉप लॉस डालकर 480 के लिए अपनी पोजीशन को बने रही है। लखनऊ से हमें फेसबुक पे मैसेज भेजा राजीव जी ने, इनका सवाल सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर है, 500 क्वांटिटी इनके पोर्टफोलियो में, 48 के भाव पे खरीद है, नहीं माफ कीजिएगा 74 के भाव पे इनकी खरीद है, फिलहाल 76-70 पे यहाँ पर कामकाज कर रहा है। राजेश, क्या करना चाहिए सिंटेक्स? क्या रुकें? मुनाफा बढ़ सकता है? देखिए, 80 रुपये के आसपास तक ये स्टॉक जा सकता है, मुझे लगता है कि वहाँ पे मुनाफा से लेकर नहीं है। कंपनी ने थोड़े कामकाज में सुधार दिखाया है, डेट के भी इन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग कर ली है, कुछ आगे के क्लॉज कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 80-82 रुपये तक जा सकता है, वहाँ पर वो मुनाफा सुल कर लें जी। एक सवाल और सुदीप का आया है मुंबई से, ये सवाल IDFC बैंक को लेकर है, 500 शेयर हैं और जो खरीदारी की गई है वो 48 रुपये के भाव पे खरीदारी है। राजेश, सवाल आपसे ही होगा, IDFC बैंक के पहले भी आपने पैरवी की है, आप क्या रणनीति रखते हैं इसमें? क्या करना चाहिए? 48 रुपये खरीदारी, अच्छा मुनाफा भी है। अगर इन्हें समय की पाबंदी ना हो, बिल्कुल बने रहे। हम इस स्टॉक में कम से कम 2-3 साल की खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आने वाले दिनों में
जब रिवर्स मर्जर वगैरह होगा तो मुझे लगता है कि एक बैंक बड़े रूप में उभर कर सामने आएगा और एक अच्छा कामकाज दिखेगा। बिल्कुल बने रहें स्टॉक में, नए नए दर्शक जो हैं वो इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। जी, तो आपको रणनीति बताई गई है कि आप IDFC बैंक में खरीदारी भी कर सकते हैं और एक्यूमुलेट फर्दर किया जा सकता है। अब बातचीत करते हैं सेंसेक्स सुल्तान सीजन 4 की। सेंसेक्स सुल्तान सीजन 4 का जो तीसरा सिटी राउंड है वो दिल्ली में होने वाला है, लेकिन दो सिटी राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, एक है अहमदाबाद में और दूसरा है राजकोट में। दो सिटी राउंड हो चुके हैं और दूसरे सिटी राउंड के विजेता गौरव सिंह भी हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। गौरव, तीसरा सिटी राउंड शुरू होने जा रहा है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे जो फाइनलिस्ट हैं तीसरे सिटी राउंड के उनको? Definitely, it is a tough round and it will be tougher in the next future also. So I want to give my best regards and best of luck to all the contestants and one who is the best among all four who will qualify the contest. जी, गौरव, दूसरे सिटी राउंड में जब राजकोट राउंड में आप थे तब उस सिटी राउंड में बहुत सारे सवाल आपसे करंट अफेयर्स को लेकर ये पूछे गए थे और डिमोनेटाइजेशन जो एक हॉट टॉपिक है उसको लेकर ये पूछे गए थे, इससे रिलेटेड आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे फाइनलिस्ट को? मैं अभी जो दिल्ली राउंड के कंटेस्टेंट है उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि डिमोनिटाइजेशन से फेड बैंक की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, और करंट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अफेयर्स है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा तो बढ़िया रहेगा, तो उसकी कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ रहने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपसे हम मुलाकात करेंगे मुंबई में फाइनल राउंड।